रेंट मेंटेन कर रखी है, अपनी जीपी मेंटेन कर रखा है, तो आपका अच्छा पैकेज यहाँ पे लगेगा और एवरेज प्लेसमेंट भी यहाँ का ठीक ठाक। आज मैं आप लोगों के लिए कॉलेज सीरीज के जो मैं सीरीज बना रहा हूँ उसके लिए एक और कॉलेज का रिव्यू लेके आया हूँ। जी हाँ, मैं VIT के ऊपर आज का वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग मुझे अपना सीनियर मान के मेरी बातों पे बिलीव कर सकते हैं कि मैं जो भी आप लोग को बताऊंगा एकदम करेक्ट चीज बताऊंगा, जो भी इन्होंने साइट पे मेंशन कर रखा है। और साथ में मैंने अपने दोस्तों से बात किया है, जो भी VIT में अभी मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं उनसे मैंने बात किया और तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। So, बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो, हम इसी तरह के कॉलेज रिव्यू लाते रहते हैं। तो भाई हम जब भी नए कॉलेज में जाते हैं तो हम क्या क्या चीज देखते हैं कि भाई वो कॉलेज कहाँ पे है, कितना फीस है उस कॉलेज का कैंपस कैसा है, जब हम कॉलेज से निकलेंगे तो हमारा कितने का प्लेसमेंट लगेगा, तो ये सारे एस्पेक्ट हम देखते हैं जब भी हम किसी कॉलेज में जाते हैं। तो मैं पॉइंट वाइज आप लोग को सारे एस्पेक्ट आपके सामने रखूंगा। तो पहला एस्पेक्ट ये है कि भाई ये VIT के कितने ब्रांचेस है। तो भाई VIT के 4 ब्रांचेस है, 3 साउथ इंडिया में है, 1 नॉर्थ इंडिया में है। साउथ इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, एक तो भाई वेलोर में है, एक आंध्र प्रदेश में है और एक चेन्नई में है। और नॉर्थ इंडिया में कहाँ पे है, तो भोपाल में है। ठीक है, जो इसका मेन कैंपस है वो है वेलोर में, जो कि 1984 में बना था। 300 एकड़ से ज्यादा का ये कॉलेज है, तो काफी बड़ा कैंपस है इसका। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो हमारे क्लास 12 में 60% से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। ठीक है, अगर आप SC ST में हो तो 50% से ज्यादा आने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हो तो भी 50% ही चाहिए आपको, और या फिर जम्मू एंड कश्मीर से हो तो भी आपको 50% मार्क्स चाहिए, ऐसे आपको 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, और साथ ही में इनका एक अपना एग्जाम होता है, JEE मेन के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेते हैं, इनका अपना एग्जाम होता है VIT EEE का। उस एग्जाम में अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, अगर आप सिलेक्शन आपका होता है तो आप काउंसलिंग में भेजा जाएगा, जिसमें ये चारों कॉलेज आपके सामने रहेंगे, वेलोर वाला ब्रांच, भोपाल वाला, मतलब सारे चारों ब्रांच आपके, चारों कॉलेज आपके सामने रहेंगे, चारों कैंपस, और आपके रैंक के हिसाब से आपको कैंपस अलॉट होगा और ब्रांच के हिसाब से कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए। तो हम ये बता देता हूं मैं आप लोग को कि अगर आपके इसमें जो VIT EEE का एग्जाम होता है उसमें अगर आपकी रैंक टॉप 1000 आई तो आपकी 25% फीस माफ हो जाएगी, अगर आपकी रैंक टॉप 100 में आई तो 50% फीस माफ हो जाएगी, अगर आपकी रैंक टॉप 50 में है तो 75%, और आपकी रैंक 1 है या फिर आप स्टेट रैंक 1 है तो आपको 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब था कि भाई एग्जाम के बारे में। अब एग्जाम के पैटर्न के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका जो एग्जाम है वो MCQ बेस्ड होता है, जिसमें से 40 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे, या फिर आपका बायो है तो बायो से, 35 क्वेश्चन फिजिक्स से, 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, और 10 जो है वो एप्टीट्यूड रहेंगे रीजनिंग टाइप का, और 5 क्वेश्चन इंग्लिश से रहते हैं। तो ये था भाई इनके एग्जाम का। तो भाई अगर इनकी कैंपस की बात की जाए तो एग्जैक्टली मैं बताता हूँ, 372 एकर्स का इनका कैंपस है। ठीक है, तो कैंपस काफी बड़ा है, अच्छे अच्छे IITs भी, कोई कोई इतने बड़े नहीं होते, 90s तो खैर काफी है जो अंडर 200 एकर में है, तो इनका कैंपस काफी बड़ा है, तो फैसिलिटीज बहुत सारी है। अगर आपको एकदम वो चाहिए कि भाई क्या क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, एकदम आपको डीपली नॉलेज चाहिए, तो YouTube पे आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि VIT के स्टूडेंट ने डाल रखा है अपना अपना, तो वो लोग आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे कि यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे आपका कितना फीस लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, दो ग्रुप में इन्होंने बांटा है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए जैसे सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ये सब, ग्रुप बी में कंप्यूटर साइंस ये सब आता है। तो ग्रुप बी का जो चार्ज है वो ग्रुप ए से थोड़ा ज्यादा है, 2 लाख के करीब है ग्रुप बी, और ग्रुप ए क्या है लगभग 175 पर ईयर, इसका 2 लाख पर ईयर, इसका 1,75,000 पर ईयर। ठीक है, अब ये तो सिर्फ ट्यूशन फीस थी, अब इसके साथ में हॉस्टल की बात की जाए तो हॉस्टल में क्या है कि यहाँ पे 40,000 से लेके 1 लाख तक के हॉस्टल्स है पर ईयर। अगर आपको सिंगल रहना है तो 1 लाख सिंगल AC रहना है तो इस टाइप से है। अगर आप 6 बेड वाले रूम में रहना चाहते हो जहाँ पे 6 बच्चे रहे या फिर 4 बच्चे आपके साथ रहे तो उसके थोड़े प्राइस आपको कम मिल जाएंगे, और AC और नॉन AC का भी के हिसाब से भी प्राइस डिफरेंस है। उसके बाद मेस की बात कर ले तो वेज नॉन वेज यहाँ पे मेस अवेलेबल है, तो लगभग मेस का अप्रोक्स मैं बता दूं तो 50,000 पर ईयर है।
तो इस हिसाब से आप देख लो कि एक साल के आपको हॉस्टल अगर आप 45-50,000 वाला अलॉट करवाते हो और फिर मेस 50,000 वाला, फिर ट्यूशन फीस की अगर ऐड कर दिए तो पर ईयर आपको मतलब 3 लाख के ऊपर ही लग जाएगा पर ईयर। तो आप 4 साल में कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका यहाँ पे कितना पैसा लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के प्लेसमेंट की कि जब हम यहाँ से 4 साल इंजीनियरिंग करके जब निकलेंगे तो कितने का पैकेज लगेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि भाई हमारा पैकेज लगेगा या फिर नहीं लगेगा या कितने का लगेगा, हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए अच्छे पैकेज लेने के लिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, क्योंकि यही चीज है जो कि अब हमने इतना 4 साल में पैसा लगाया है तो अब टाइम आता है कि भाई उस पैसे को वापस निकालने का, तो ये प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई इन्होंने साइट पे मेंशन कर रखा है कि इनका एवरेज पैकेज जो है वो है 6 लाख पर एनम एवरेज। ठीक है, और हाईएस्ट पैकेज के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है 41 लाख पर एनम। ठीक है, और साथ साथ ये भी लिख रखा है कि 95% स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड। और एक इन्होंने ये भी चीज लिखा है कि या फिर ड्रीम पैकेज, सुपर ड्रीम पैकेज और रेगुलर पैकेज। तो भाई क्या है सुपर ड्रीम पैकेज और रेगुलर पैकेज? तो देखो, जिनकी भी प्लेसमेंट 10 लाख के ऊपर की होती है ना, उनको ये सुपर ड्रीम बोलते हैं। ठीक है, जिनकी भी प्लेसमेंट लगभग 4.5 लाख के ऊपर की होती है उसे ये ड्रीम पैकेज बोलते हैं, और जो रेगुलर प्लेसमेंट है वो है 3 लाख के ऊपर की। ठीक है, 3 लाख के करीब की उन्हें ये रेगुलर बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या है कि एवरेज 6 लाख इन्होंने दे रखा है कि अगर आप थोड़े भी अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको इतने का पैकेज मिल जाएगा। अब हम टॉप के पैकेज सुपर ड्रीम पैकेज लेने के लिए हमें कैसे क्या करना होगा यहाँ पे? तो भाई इन्होंने दे रखा है कि अगर आप कैंपस में टॉप 50 में आते हो ना तो आपको 26 लाख के करीब का पैकेज मिलेगा। टॉप 50 में, टॉप 100 में आते हो कैंपस में तो 20 लाख, टॉप 200 में आते हो तो 17 लाख, और टॉप 1000 के अंदर में आते हो ना तो 12 लाख के करीब का पैकेज मिलेगा। तो आपको अपनी रैंक जो है वो टॉप 1000 में रखनी है। और ये ब्रांच पे भी भाई डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच कौन सी है। कंप्यूटर साइंस वालों का प्लेसमेंट ज्यादा ज्यादा लगता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ये सब जितने भी पैसे देने वाली कंपनियां है ना वो कंप्यूटर साइंस वालों को ही हायर करती है। तो अगर आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच और प्लस आपने अपनी रैंक मेंटेन कर रखी है, अपनी जीपीए मेंटेन कर रखा है, तो आपका अच्छा पैकेज यहाँ पे लगेगा और एवरेज प्लेसमेंट भी यहाँ का ठीक ठाक है। लेकिन फीस के कंपेयर में मुझे लगता है कि मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि देखो प्राइवेट है, इतना तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको हर चीज परफेक्ट नहीं मिल सकता प्राइवेट में। तो ये मैंने आपको पूरा प्लेसमेंट के बारे में बता दिया, स्कॉलरशिप के बारे में भी बता दिया, एडमिशन क्राइटेरिया बता दी, कैंपस के बारे में बता दिया, और एग्जाम के बारे में भी बता दिया, एग्जाम का पैटर्न भी बता दिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी मुझे मैंने पता की थी सोर्स से, अपने दोस्तों से, नेट से, वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी